जो आज ये घटना हुई है, पहासु क्षेत्र का गांव है तुर्कीपुर, उस गांव की घटना है। बहुत ही गंभीर घटना है। उस घटना को लेकर के काफ़ी सामाजिक संगठनों के लोगों ने वहां के क्षेत्र के जो शिकारपुर क्षेत्र है, वहां के जो सीओ साहिब हैं, वहां के जो एसडीएम साहब हैं, उनसे सभी लोगों ने बात की है। बात करके जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, अम्बेडकराइट मूवमेंट के लोग हैं, उन्होंने बात करके समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है। लेकिन जो शिकारपुर क्षेत्र के एसडीएम हैं, जो सीओ हैं, जो वहां के पहासु के इंस्पेक्टर हैं और जो प्रशासन, पूरा जिला प्रशासन है, क्योंकि इस घटना से एसएसपी साहब को के यहाँ भी अवगत कराया गया, डीएम साहब के भी व्हाट्सएप पर ये खबर भेजी गई, हालांकि वहाँ फ़ोन नहीं उठा। तो ये घटना पूरे ज़िले के संज्ञान में है और उसका समाधान कुछ नहीं हो पाया है और स्थिति बड़ी वहाँ की गंभीर है। स्थिति क्या गंभीर है वो आपके सामने है बताने के लिए हम लोग हाजिर हुए हैं। मैं हाजिर हुआ हूँ, मैं आपके सामने आया हूँ और जो प्रदीप भाई भी लाइव हैं, प्रदीप भाई का भी बहुत सहयोग है और वहाँ जो पहासु की टीम है, प्रदीप भाई हैं और प्रवीण हैं, आशीष हैं और बहुत सारे जो साथी हैं, जितने भी साथी हैं पहासु के, उन लोगों का उस गांव में बड़ा सहयोग रहा है। पूरे दिन वहाँ पर लगे रहे हैं, डटे रहे हैं और रात में भी वहाँ पर लगे रहे हैं सारे साथी जो अम्बेडकर मूवमेंट के लोग हैं। अगर आज लोग एकत्रित नहीं होते हैं, यदि लोग आज बात नहीं सुनते हैं, तो निश्चित रूप से जो आपकी एक विचारधारा है, जो अम्बेडकर मूवमेंट पे आप काम कर रहे हैं, वो कमज़ोर होगा, निश्चित रूप से कमज़ोर होगा और इसकी भरपाई समाज बड़ी मुश्किल ही कर पाएगा। इसलिए सब लोगों को जो अब तक घटित हुआ उसको बताने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और क्योंकि मैं कभी ज़्यादा लाइव नहीं आता, विशेष गंभीर विषय है। नीलम जी भी लाइव हैं, बहुत बहुत साधुवाद नीलम जी को, नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी लोग लाइव हों और लोग जो लाइव नहीं हुए हैं वो लोग भी जुड़े हैं, क्योंकि ये एक विषय व्यक्तिगत नहीं है। विषय वो है जिसके लिए सामाजिक मूवमेंट में, बहुजन आंदोलन में न जाने कितने महापुरुषों ने अपनी जान गंवाई। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, जिन्होंने अपने चार चार बच्चों को कुर्बान किया, जिन्होंने कोई अपने जीवन में खुशी हासिल नहीं की, जब तक वो 1956 तक हमको छोड़ कर गए, वो दुखों में और कष्टों में ही उन्होंने संघर्ष किया और उसके बावजूद उनकी विचारधारा को बढ़ाने के लिए न जाने कितने लोग 2 अप्रैल को शहीद हुए, कितने लोग जेल गए, उसके बाद लगातार संघर्ष में लगे हुए हैं, भूखे प्यासे लोग लगे हुए हैं। उस घटना को बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। अब मैं उस घटना को मैं आपके सामने ला रहा हूं, जिसके लिए क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है, समय ज़्यादा है, तो मैं आपको उस विस्तार से उस घटना को बताना चाहता हूँ। आज करीब 5 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन आया और मुझे पता लगा कि पहासु क्षेत्र का एक गांव है तुर्कीपुर। तुर्कीपुर का मसला क्या है, वहां पर डॉक्टर अम्बेडकर सामुदायिक भवन है। उस सामुदायिक भवन में करीब 15 दिन पहले गांव समाज के अम्बेडकरवादी लोगों ने 15 दिन पहले वहां बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का काम किया। वो बात अलग है कि उन्होंने प्रशासन से उसकी अनुमति नहीं ली और वहाँ पर 15 दिन पहले मूर्ति लगा दी। गंभीर विषय ये है कि वो जो जगह है वो डॉक्टर अम्बेडकर सामुदायिक भवन के नाम से वो दर्ज है, वो उसका एक बैनामा है, प्रधान ने उसमें स्वीकृति दे रखी है, गांव के समाज के लोगों ने स्वीकृति दे रखी है, उसका हमारे पास बैनामा है और उसको गांव के ही एक व्यक्ति ने, जो सैनी समाज से है, जो पिछड़े समाज से है, उस सैनी समाज के व्यक्ति ने हमारे समाज, जो बहुजन समाज है, उस समाज को, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, उनको दान दिया था, बैनामे के द्वारा रजिस्टर्ड कराया था। उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये डॉक्टर अम्बेडकर सामुदायिक भवन होगा। उस सामुदायिक भवन में 15 दिन पहले जो अम्बेडकरवादी लोग हैं गाँव के, उन्होंने मूर्ति लगा दी। लेकिन सोचने का, समझने का विषय ये है कि 15 दिन बाद आज, यानी कि 7 तारीख को आज जिला प्रशासन हरकत में आया। जिस व्यक्ति ने उस ज़मीन को दान दिया था डॉक्टर अम्बेडकर सामुदायिक भवन के लिए, उसी व्यक्ति ने वो शिकायत की और शिकायत करके ये कहा कि मैं इस ज़मीन को, मैंने इस उद्देश्य के लिए ज़मीन नहीं दी थी। इस हरकत में आकर कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आया है, ये भी लोग बताते हैं कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एसडीएम और सीओ पर दबाव रहा और एसडीएम और सीओ उस गांव में आज गए और जाने के बाद करीब 5 बजे की ये घटना है, 5 बजे वहां गए
वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा कि ये मूर्ति आप हटाइए, अगर मूर्ति नहीं हटाएंगे तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन जो गांव के बच्चे थे, गांव के बूढ़े थे, गांव की महिलाएं थीं, जो समाज के लोग थे, जो अम्बेडकरवादी लोग थे, जो बाबा साहब की विचारधाराओं में आस्था रखते हैं, उन लोगों ने वहाँ पर वो डट गए और डटने के बाद उन्होंने उस मूर्ति को हटने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमारी जान चली जाए, चाहे हम जेल चले जाएँ, चाहे मुकदमा लिख जाए, लेकिन हम मूर्ति को यहाँ से हटने नहीं देंगे। वहाँ पर हंगामा हुआ, खूब हंगामा हुआ। पुलिस प्रशासन रहा, SDM रहे, CO रहे, पहासू थाने के इंस्पेक्टर रहे, पूरी पुलिस फोर्स रही। आखिर में 6 बजे के आसपास पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने अपनी हार मान ली। वो वहां से चले आए। गांव से आने के बाद वो थाने पर आए, थाना पहासू पर आकर के उन्होंने गांव के कुछ जो चंद युवा थे, जो उसमें नेतृत्व कर रहे थे, जो उस मूर्ति को हटाने नहीं देना चाहते थे, उनको प्यार से बुलवाया और उन्होंने कहा कि हम थाने पे इस समस्या का समाधान कराएंगे। और थाने पे उन 4-5 युवाओं को बुलाया और बुलाने के बाद उन्हें थाने में बंद कर लिया गया और वो अभी भी बंद हैं। रात के जो मैं इस समय लाइव हूँ वो अभी भी बंद हैं। उसके बाद बंद होने के बाद 4-5 लोगों को और गाड़ी से उठा के लाया गया, थाने में बंद किया गया। थाने में बंद करने के बाद मेरे द्वारा लोगों को बताया गया कि भाई वहाँ पर यह घटना है। काफ़ी लोगों ने, जैसे मुरादाबाद से दीदी निर्देश हैं, उन्होंने भी फ़ोन किया और वहाँ से दिल्ली से बहुत लोगों ने फ़ोन किया, गाज़ियाबाद से बहुत लोगों ने फ़ोन किया, उन CO को फ़ोन किया, SDM को फ़ोन किया, इंस्पेक्टर को फ़ोन किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्होंने किसी की एक नहीं मानी, किसी की एक नहीं सुनी। फ़ोन करते करते करीब रात के 10 बजे तक फ़ोन हुए हैं, 10 बजे तक वहां पर संपर्क रहा है अधिकारियों से। अधिकारी बार बार ये कहते रहे हैं कि वो ग्राम सभा की ज़मीन है और उस पर जाटव समाज के लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई ग्राम सभा की ज़मीन नहीं है, उसका लिखित में हमारे पास बैनामा है, लिखित में डॉक्टर अम्बेडकर पुस्तकालय भवन वहाँ पर लिखित में है, वो कागजात में दर्ज है, बैनामे में दर्ज है, प्रधान की मोहर लगी हुई है। गांव के प्रधान को कोई, वर्तमान प्रधान को कोई आपत्ति नहीं है, गांव के राशन डीलर को कोई आपत्ति नहीं है, गांव के हजारों लोगों के उस पर साइन है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है अम्बेडकर भवन बनाने में, वहां कोई भी कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने उसको दान दिया, आज उसी व्यक्ति ने किसी नेता के कहने पर, किसी अम्बेडकर विरोधी के कहने पर, बाबा साहब के कहने पर वहाँ पर एप्लीकेशन लगाई। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वो युवा थाने में बंद थे और थाने में बंद करने के बाद वहाँ पर जब पुलिस प्रशासन पूरा हार गया, समाज के लोगों ने भी बात कर ली, जगह जगह से फ़ोनों पे बात हुई है, जब पुलिस प्रशासन अपनी जिद पर अड़ा हुआ और SDM अपनी जिद पर, CO अपनी जिद पर, तो ये करीब रात में 9 बजे ये वहाँ पर 4 थानों की फोर्स गांव में पहुँची है अभी रात में 9 बजे। और वहाँ पर जो कहते हैं ना, योगी बाबा कहते हैं कि बुलडोज़र बदमाशों पे चलेगा, वहाँ पर आप यकीन मानना, वहाँ पर बुलडोज़र भी पहुँच गया। बाबा साहब की मूर्ति को हटाने के लिए गांव में बुलडोज़र पहुँचा है, उसकी हमारे पास वीडियोज़ हैं। वहाँ पर बुलडोज़र पहुँचा है, 4 थानों की फोर्स पहुँची है, SDM, CO वहाँ पर मौके पर, थाना पहासू के जो थाना अध्यक्ष हैं वो वहाँ पर मौके पर। तो आप ये देखिए कि वहाँ पर 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक वहाँ पर 4 थानों की फोर्स रही, वहाँ पर धक्का मुक्की हुई है, वहाँ पर बुलडोज़र गया है। आप ये देखिए, जिस महापुरुष ने इस देश का संविधान बनाया, जिस महापुरुष ने भारत का संविधान बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर जी, उनके मूर्ति को हटाने के लिए बुलडोज़र ले जाया गया है, योगी बाबा का बुलडोज़र ले जाया गया है, अप्रैल माह में ले जाया गया है। जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी की अनुयायी है, मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति पर आप बुलडोज़र चलवाने का काम करेंगे? क्या उस विचारधारा को आप बुलडोज़र से ख़त्म कर पाएंगे? क्या अम्बेडकरवादी लोगों की विचारधारा को बाबा के बुलडोज़र से ख़त्म कर पाएंगे? और सबसे बड़ा दुख का विषय, लोगों ने, गाँव के अम्बेडकरवादी लोगों ने कह दिया, वहाँ की महिलाओं ने कह दिया, गरीब महिलाओं ने कह दिया, बच्चों ने कह दिया, बुजुर्गों ने कह दिया, सभी लोगों ने कह दिया कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हमें जेल में डाल दो, लेकिन हम बाबा साहब की मूर्ति नहीं हटने देंगे। मुझे ये आपको बताते हुए दुख हो रहा है कि इस आंदोलन में, वहाँ पर जब ये 10-10:30 बजे आंदोलन हो रहा था, वहाँ पर 9 बजे से 4 थानों की फोर्स थी, वहाँ पर कई थानों की फोर्स थी, वहाँ पर पूरा जिला प्रशासन था, पूरे जिले के अधिकारियों को पता था, उस धक्का मुक्की में बुलडोज़र वहाँ पर चला, धक्का मुक्की हुई, वहाँ पर एक अम्बेडकरवादी बुजुर्ग की जान जा चुकी है।
वहाँ पर एक व्यक्ति मारा गया है धक्का मुक्की में, मर गया है, बुजुर्ग आदमी मर गया है धक्का मुक्की में। और जब वो व्यक्ति मर गया है तो वहाँ से जब जो बुलडोजर बाबा का वहाँ पहुँचा है बाबा साहब की मूर्ति को हटाने के लिए, उस धक्का मुक्की में महिलाओं ने, बच्चों ने, बुजुर्गों में धक्का मुक्की हुई है, पुलिस प्रशासन ने धक्का मुक्की की है, तो उस धक्का मुक्की में एक अम्बेडकरवादी जो बुजुर्ग हैं वो ख़त्म हो गए हैं, वो उनको शहादत हुई है, वो ख़त्म हो गए हैं। एक आज अप्रैल माह में ये बड़े दुखद घटना है कि जिला प्रशासन ने इतना अन्याय किया है, वहाँ के SDM ने, शिकारपुर के SDM ने इतना अन्याय किया है, शिकारपुर की जो CO है वहाँ ने इतना अन्याय किया है, पासो थाने के इंचार्ज ने इतना अन्याय किया है कि वहाँ फोर्स बुला करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में आकर के वहाँ पर बुलडोजर ले जाने का काम किया है, वहाँ पर अत्याचार किया है, वहाँ पर लाठीचार्ज किया है, वहाँ पर एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। गाँव है तुर्कीपुर, गाँव तुर्कीपुर पहासो क्षेत्र का गाँव है, वहाँ पर अब ये स्थिति है। मूर्ति तो वो नहीं हटा पाए क्योंकि वहाँ के जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो मिशनरी लोग हैं, वो डटे रहे और इसी बीच में वहाँ पर एक मौत हो गई धक्का पुक्की में। तो वहाँ से लोग वहाँ से, जो वहाँ की पुलिस थी, पुलिस वहाँ से गांव से लौट चुकी है, जिला प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। मौत होने के बाद इस समय डेड बॉडी गाँव में है। जो व्यक्ति धक्का मुक्की में, जो बुजुर्ग मारे गए हैं, जो बाबा साहब की मूर्ति को बचाने के लिए, जब वहाँ धक्का मुक्की हुई उसे बचाने के लिए भगदड़ में वहाँ पर मारे गए हैं, तो वहाँ जो बाबा का बुलडोजर बाबा साहब की मूर्ति, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति को ढहाने के लिए गया था, तोड़ने के लिए गया था, वो बुलडोजर भी अभी 11 बजे वहाँ से वापस आया है। पुलिस प्रशासन वहाँ से अभी 11 बजे वहाँ से हटा है। मैं अपने सभी सामाजिक संगठनों के, जितने भी सामाजिक संगठन हैं जो बाबा साहब की बात करते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की जीवन विचारधारा पर काम करते हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो अगर अम्बेडकरवादी विचारधारा को जीवित रखना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो वो गाँव जो सुबह गाँव है तुर्कीपुर पहासो क्षेत्र का गाँव है, वहाँ सुबह 8 बजे 9 बजे वहाँ पर पहुँचें, 10 बजे तक पहुँचें, हम भी वहाँ 8 बजे पहुँचेंगे। वहाँ उस बुजुर्ग अम्बेडकरवादी जो व्यक्ति हैं उनकी डेड बॉडी रखी हुई है। पुलिस प्रशासन चेतावनी देकर के गया है कि हम सुबह बुलडोजर लेकर के फिर आएंगे, पुलिस को लेकर के हम फिर आएंगे, फिर हम डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पर वहाँ बुलडोजर चलाने का काम करेंगे। तो आप ये देखिए कि जो बाबा का बुलडोजर है, जो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि बाबा के पास बुलडोजर है, क्या बुलडोजर ये अनुसूचित जाति के लोगों पर चलाने के लिए बाबा जी ने बनाया है? ये डॉक्टर अम्बेडकर जयंती जो आ रही है उसमें डॉक्टर अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा है उस पर ये बुलडोजर चलाने का काम करेंगे? बाबा साहब की, अम्बेडकर जी की मूर्ति को क्या बुलडोजर से तोड़ा जाएगा? क्या वो वार्तालाप से नहीं हटाई जा सकती थी? क्या वो बातचीत से नहीं हटाई जा सकती थी? युवाओं को थाने में बंद किया गया, उठा उठा के बंद किया गया। और आप ये देखिए कि महिलाओं के साथ ज्यादति की गई, वहाँ बुजुर्गों के साथ ज्यादति की गई। इस धक्का मुक्की में वहाँ एक अम्बेडकरवादी मारा गया है, वहाँ पर उनकी डेड बॉडी रखी हुई है। ये पहासू का गाँव है, तुर्कीपुरावास प्रदीप भाई ने लिखा है, तुर्कीपुरावास पूरा गांव है, 5 किलोमीटर पड़ता है पहासू से, 5 किलोमीटर आप पहले खुर्जा से पहासू जाएंगे, तो ये गांव है। और इस गांव में आप पहुंचिए सुबह, क्योंकि अगर आपको न्याय पाना है और अम्बेडकरवादी लोग जो वहाँ के अकेले संघर्ष कर रहे हैं उनको मजबूत करना है, तो जितने भी सामाजिक संगठन हैं या जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अम्बेडकरवादी विचारधारा में विश्वास रखती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुबह 9 बजे तक वहाँ पर पहुँचें, हम भी 8 बजे वहाँ पर पहुँचेंगे, जो उनकी हिम्मत बढ़ाएं, जो महिलाओं ने, जो बुजुर्गों ने, जो वहाँ के अम्बेडकरवादी लोगों ने आज संघर्ष किया है, पूरे दिन संघर्ष किया है, वो थाने में बंद हैं, अभी 8-10 युवा इस समय पहासू थाने में बंद हैं, और उनको कह दिया है कि उनको छोड़ेंगे नहीं, पहले आपको मूर्ति हटानी पड़ेगी। मूर्ति हटाने की जिद जिला प्रशासन की है, वहाँ एक मौत हो गई है भगदड़ में, पुलिस की वजह से, बुलडोजर की वजह से मौत हो गई है, फिर भी पुलिस प्रशासन झुकने को तैयार नहीं है। वो धमकी दे करके गए हैं, मौत हो गई है उसको उन्हें चिंता नहीं है, वो धमकी दे करके गए हैं कि सुबह पुलिस को हम लेकर के आएंगे, ज़्यादा तादाद में पुलिस आएगी और ये मूर्ति हटाने का काम किया जाएगा, सुबह को फिर से बाबा का बुलडोजर आएगा और योगी का बुलडोजर आएगा, उसको बाबा साहब की प्रतिमा को हटाने का काम करेगा। मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर जी की बदौलत कारें मिली, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर जी की बदौलत आरक्षण से उनको गाड़ियाँ मिली, बंगले मिले, आलीशान महलों में रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, आज उनकी देश में सरकार नहीं है, उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है, कम से कम आप अपनी विचारधारा को यदि जीवित रख पाएंगे, और अब अगर यदि अम्बेडकर विचारधारा जीवित रहती है
तभी हम लोग जीवित हैं। जिस दिन अम्बेडकर विचारधारा ख़त्म हो जाएगी, उस दिन आपका ना कोई विचार होगा, ना कोई समाज होगा, ना कोई देश होगा, आपका कुछ नहीं होगा। इसलिए बाबा साहब की विचारधारा जो पुलिस प्रशासन ख़त्म कर रहा है, जो कह रहा है कि सुबह को हम फिर बाबा का बुलडोजर लेकर आएंगे और तुर्कीपुरवास जो गांव है पहासू क्षेत्र का, जो 5 किलोमीटर पड़ता है, वहां पर हम बाबा साहब की मूर्ति वो हटाने की बात कर रहे हैं। और आज वहां पर उन्होंने पूरे दिन प्रयास किया, अभी कम से कम 8-10 लड़के थाने में बंद हैं, पूरी रात बंद हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। कोई संघर्ष नहीं कर पाएगा, अकेला किसी से कोई नहीं लड़ पाएगा। उन लोगों का आप साथ दीजिए, जितने भी सामाजिक संगठन हैं जो आसपास के बुलंदशहर ज़िले के हैं, गाज़ियाबाद के हैं, गौतम बुद्ध नगर के हैं, दिल्ली के हैं, जो आसपास मुरादाबाद है, अलीगढ़ है, जो बुलंदशहर से ज़िले लगे हुए हैं, जो पहासू क्षेत्र के पास के हैं, उन सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि जो चाहे भीम आर्मी के हैं या भीम कमांडो फोर्स के हैं, भीम सेना के साथी हैं, जो जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जो लोग संघर्ष करते हैं, वो बहुजन मूवमेंट को खासकर अप्रैल माह में अम्बेडकर जयंती मनाने का तभी मतलब है जब हम जो उस संघर्ष में एक बुजुर्ग ख़त्म हुए हैं उनको हम जाकर के आदरांजलि दे सकें और मिशन मूवमेंट में उन लोगों का साथ दे सकें कि जिनके आज युवा साथी जो पढ़ने वाले हैं वो थाने में बंद हैं, और थाने में बंद होने के बाद उन्होंने आज मूर्ति को अब रात तक बचाने का काम किया है, और एक बुजुर्ग की उसमें जान चली गई है, उनकी डेड बॉडी घर पर रखी हुई है। आप उनकी जो डेड बॉडी है उनको भी नमन करें, उनको भी वहाँ पर नमन करके उस गांव में हौसला बढ़ाएं और वहाँ साथी पहुँचें। सभी को एक बार पुनः आग्रह अनुरोध कि सुबह 9 बजे तक 10 बजे तक वहाँ पर सभी साथी पहुँचें, क्योंकि इस संघर्ष में एक बुजुर्ग की मौत हुई है और बुलडोजर अभी 11 बजे वहाँ से वापस हुआ है। कई थानों की वहाँ पर फोर्स थी, जो वहाँ के SDM है, CO हैं, जो अधिकारी हैं, जो जिला प्रशासन है, वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि मूर्ति वहाँ से हटानी पड़ेगी। अब आप देखिए कि कम से कम जो चीज़ वहाँ डॉक्टर अम्बेडकर पुस्तकालय के लिए, डॉक्टर अम्बेडकर भवन के लिए आरक्षित है, जो कागजों में भी है, अगर उस पर मूर्ति लग भी गई तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये इस समय अम्बेडकर महा चल रहा है। बाबा साहब की आस्था से जुड़े हुए लोग संघर्ष कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। सभी साथियों से पुनः अनुरोध कि सुबह तुर्कीपुरवास जो पहासू का एक गांव है वहां पर आप सभी साथी पहुंचें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। यदि आप नहीं पहुँचते हैं तो अम्बेडकरी विचारधारा ख़त्म हो जाएगी, आपका कोई इतिहास नहीं बचेगा। आप सभी ने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।